अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी दो या दो से ज्यादा तो कुल तरके में उनका दो तिहाई, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा, बशर्ते के मैयत के औलाद हो, और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो एक तिहाई माँ का हिस्सा, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा। और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है? यह हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है।